और एक मशहूर करामत जो आपकी है, आपने एक ख्वाब देखा कि फरिश्ता रहमत दो आपके पास आए, जिसमें तारिकी ने दुनिया का नाम वो लिख रहे थे। एक ने कहा कि इनका भी नाम इसमें शामिल करो, तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि अभी ये चार गज की पगड़ी की बंदिश में जो है गिरफ्तार है, ये किस तरह तारीख दुनिया हो सकते हैं, ये मामला अलहदा अलहदा हैं। दलील मुत्तकीन जो कहा गया, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। आदमी जिस तकवे के मुकाम पर पहुंचता है, कुरान उससे और जो आगे का तकवा है उसकी रहनुमाई करता है। ये सुल्तान तारिकीन होने के बाद, ये मनसब पर फायज होने के बाद भी उसके आगे की ये जो है मंजिलें हैं। कहा कि अभी ये चार गस्ती पगड़ी में गिरफ्तार है, बंदिश में पड़े हैं। सुल्तान तारिकीन बयान फरमाते कि उसी हालत में मैंने अपना हाथ बुलंद किया और अपनी पगड़ी को निकालकर बाहर रख दिया, बाजू रख दिया। तो फरिश्ते ने वो दफ्तर में नाम लिखा और वो दोनों चले गए। जब सुल्तान तारिकीन ख्वाब से बेदार हुए तो देखा कि वो पगड़ी नीचे गिरी हुई है। तो फिर आपने पगड़ी को इस्तेमाल नहीं किया जो दस्तार थी। तो उस दस्तार के मुतालिक आपके बड़े साहिबजादे हजरत सूफी शेख अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला ने दरख्वास्त की, ये ख्वाहिश का इजहार किया कि आप ये दस्तार मुझे इनायत फरमा दें, मुझे पहना दें। तो आपने कहा अगर तुम कहो तो मैं ये दस्तार तुम्हारे बेटे शेख फरीदुद्दीन महमूद को दे दूं। अब उन्होंने खामोशी इख्तियार की, कहा ठीक है आपकी मर्जी। तो आपने वो दस्तार जो थी वो अपने साहेबजादे को अता नहीं फरमाई, बल्कि हजरत शेख फरीदुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह को दस्तार अता की। बाद में मुअम्मा लोगों के सामने जाहिर हुआ कि अपने बेटे को दस्तार ना देना, उसके बाद और पोतरे को, वो भी जो है दूसरे नंबर के पोतरे थे, मंझले पोतरे थे, बड़े पोतरे नहीं थे, बड़े पोतरे शेख वहीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद शेख फरीदुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह। तो बड़े पोतरे को ना देकर मंझले पोतरे को आपने जो अपनी दस्तार इनायत फरमाई, और दुनिया ने ये भी वाकया देखा कि आपकी ही नहायत ही आपके फर्जंद हजरत शेख अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाले मुबारक हुआ, और आपके विसाले मुबारक से चंद दिन पहले आपके बड़े पोतरे का विसाले मुबारक हुआ। और उसके बाद हजरत शेख फरीदुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह आपके वारिस व जानशीन और सज्जादा नशीन और खाजगाने चिश्त की रूहानी अजमतों के अमीन और उनके मसनदे फैजान विलायत के वारिस बने।